आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेंगे कक्षा 8 का पाठ 2 लाख की चूड़िया का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 में आपने ये पूरा पाठ पढ़ा। आज लेते हैं अपन उससे आगे शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर। पहले है लाख की चूड़िया पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है चाव। चाव का अर्थ होता है उल्लास भरी इच्छा। अगला शब्द मन मोहना। मन मोहना का अर्थ है यहाँ पर आकर्षित करना। अगला शब्द है सहन। सहन का अर्थ है आंगन। अगला शब्द दहकना। दहकना का अर्थ है जलना। अगला शब्द है मचिया। मचिया का अर्थ है यहाँ पर पीढ़ी या बैठने की चौकी। अगला शब्द नववधू। नववधू का अर्थ है यहाँ पर नई दुल्हन। अगला शब्द मनिहार। मनिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने वाला। अगला शब्द पैतृक पेशा। पैतृक पेशा का अर्थ है यहाँ पर पूर्वजों का व्यवसाय, यानी उसके बाप दादा द्वारा जो काम किया जाता था पहले वो अभी वही कर रहा है। अगला खपत। खपत का अर्थ है मांग या बिक्री। अगला है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। अगला है कसर निकालना। कसर निकालना का अर्थ है कमी पूरी करना। अगला है लोहा लगना। लोहा लगना का अर्थ है कठिनाई होना। अगला कूटना। कूटना का अर्थ है यहाँ पर ईर्ष्या करना। अगला है नाजुक। नाजुक का अर्थ है कमजोर। अगला शब्द विरले। विरले का अर्थ होता है किसी किसी के। अगला शब्द है दमा। दमा का अर्थ है श्वास की बीमारी। अगला शब्द व्यथा। व्यथा का अर्थ है यहाँ पर दुख। अगला शब्द है फसली। फसली का अर्थ है यहाँ पर मौसम बदलने से होने वाला रोग। अगला शब्द है लहककर। लहककर का अर्थ है यहाँ पर खुश होकर। अगला शब्द है अंजुली। अंजुली का अर्थ होता है हथेली। अगला शब्द दस आने। दस आने का अर्थ होता है 60 पैसे। अगला शब्द है हाथ काट देना। हाथ काट देने का अर्थ है बेरोजगार बना देना। अगला शब्द भापली। भापली का अर्थ है जानली। अगला शब्द व्यथा। व्यथा का अर्थ है यहाँ पर दुख। अगला शब्द लहक कर। लहक कर का अर्थ है खुश होकर। अगला शब्द मुखातिब होना। मुखातिब होना का अर्थ है सामने आना। अगला शब्द है चौगुने। चौगुना का अर्थ है चार गुना। अगला शब्द बखत। बखत का अर्थ है यहाँ पर वक्त या समय। अगला शब्द है अंजुली। अंजुली का अर्थ है यहाँ पर हथेली। अगला शब्द ठिठकना। ठिठकना का अर्थ है यहाँ पर रुकना। अगला शब्द है फब। फब का अर्थ है खिलना या अच्छी लगना। अगला शब्द दस आने। दस आने का अर्थ होता है 60 पैसे। अगला शब्द है अवस्था। अवस्था का अर्थ है यहाँ पे आयु। अगला शब्द ढल चुका। ढल चुका का अर्थ है दुर्बल हो चुका। अगला शब्द है फसली। फसली का अर्थ है ऋतु बदलने से होने वाला रोग, यानी मौसम बदलने से होने वाला रोग, उसे कहते हैं फसली। अगला शब्द है प्रचार। प्रचार का अर्थ है फैलाव या परिचय। अगला शब्द है खाट। खाट का अर्थ है यहाँ पर चारपाई। अगला शब्द एकदम। एकदम का अर्थ है यहाँ पर अचानक। अगला शब्द दृष्टि। दृष्टि का अर्थ है नजर। अगला शब्द है निहारना। निहारना का अर्थ है एक तक देखना। अगला शब्द है सहसा। सहसा का अर्थ है यहाँ पर अचानक। अगला शब्द अवधि। अवधि का अर्थ है समय।
ये हो गए अपने इस पाठ के शब्दार्थ पूरे। लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है, बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू मनिहाल उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। यानी लेखक इसलिए जाता था क्योंकि बदलू मामा जो थे उसे बदलू काका उन्हें लाख की छोटी छोटी सुंदर गोलियां बनाकर देते थे, इसलिए उनकी इच्छा मामा के गांव जाने की होती। जो उसे बहुत अच्छी लगती वह गोलियां उसे बहुत अच्छी लगती। वह बदलू को बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहकर पुकारते थे। लेखक अभी छोटे थे, उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि ननिहाल में सबको मामा कहना चाहिए। वह तो बच्चा था इसलिए बच्चों के पीछे पीछे वह भी बदलू को काका कहने लगा। यानी यहाँ उसको मामा के घर जाने का चाव इच्छा क्यों होती थी ज्यादा? क्योंकि वह वहाँ जाएगा और बदलू मनिहार से लाख की गोलियां बना बना कर जो देता है वह उसे बहुत अच्छी लगती थी। और वो बदलू काका क्यों कहता था? क्यों गांव के सभी बच्चे वहां पर क्या कहते थे? बदलू को बदलू काका। गांव के बच्चे तो उसको बदलू काका ही कहेंगे, लेकिन लेखक का तो वहां पे ननिहाल था, वो सबको मामा कहता, लेकिन सिर्फ एक बदलू को ही काका कहता था। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं थी कि हमें ननिहाल में सबको मामा कहना चाहिए इसलिए। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यानी वस्तु विनिमय क्या है? इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु देना। यानी अपन किसी से कोई वस्तु खरीद ले उसके बदले उसको वापस कोई वस्तु देना। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसके द्वारा हम वस्तु के बदले मन चाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बदलू चूड़ियों को चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज या कोई वस्तु लेता था, लेकिन आज हम पैसा देकर वस्तु लेते हैं। इस पद्धति को मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। यानी वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे बदलू काका क्या करते थे? चूड़ियां बेचकर कभी अनाज ले लेते या उनको कोई किसी चीज की आवश्यकता होती तो उनसे वो चीज मांग लेते, तो वो क्या कहना था? वस्तु विनिमय। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग पैसे देकर वस्तु लेते हैं, ना? दुकानदार को पैसे दिए तो वो हमें वस्तु देता है, तो वो किस में आती है? उसको कहते हैं हम मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। लेते हैं अगला प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? यानी मशीनीकरण की वजह से लोगों के कितने हाथ कट गए? हाथ कटने का मतलब होता है यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हो गए। लेखक ने इस पंक्ति में किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर है इसका, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। यानी मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होने की वजह से लोग क्या हो रहे हैं? बेरोजगार हो रहे हैं। केवल कुछ ही मशीनों के द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। यानी कुछ ही मशीनें बहुत सारे आदमियों का या मनुष्यों का काम कर लेती हैं। इस कारण छोटे छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं। यानी मशीनीकरण होने की वजह से जो छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। पैतृक व्यवसाय यानी जो पुश्तों से पीढ़ियों से अपना काम करते आए वो भी क्या हो गए? वहां पर खत्म हो चुके थे। इस कारण लोगों में बेरोजगारी व भूखमरी फैल रही थी। इस पंक्ति में लेखक इन्हीं बेरोजगार कारीगरों की ओर संकेत किया है। यानी इस पंक्ति के अंदर लेखक किसकी ओर संकेत करता है? मशीनीकरण हो जाने की वजह से छोटे छोटे उद्योगपति और जो छोटे छोटे कारीगर थे जिनका पैतृक पैसा था वो सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए। इसलिए वो इन्हीं बेरोजगार कारीगरों की ओर संकेत करता है, यानी उनकी व्यथा को कहता है। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? यानी वो
लेखक बदलू की ऐसी कौन सी विद्या थी जो बदलू काका ने बताई भी नहीं फिर भी लेखक ने जान ली? इसका उत्तर है मशीनें आने की वजह से बदलू का चूड़ियों का काम बंद हो गया था। उसका पैतृक पेशा छीन जाने की वजह से वह असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से वह नफरत करता था वह अब उसे सबके हाथों में दिखाई देती थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा मशीनों से बनी सुंदरता को महत्व दिया जाने लगा था। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। यानी लेखक जब बदलू काका के पास जाते हैं ना तो क्या होता है, उनका पैतृक पैसा था वो बंद हो गया, वहां पे भट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होती, उन्होंने लाख की चूड़ियां बंद कर दी बनानी, क्यों? मशीनीकरण होने की वजह से। तो उनको पता चल गया कि अब बदलू काका गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, इनका पैतृक पैसा क्या हो गया, बंद हो गया। अगला प्रश्न है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, यानी मशीनीकरण होने की वजह से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर है मशीनी युग के कारण बदलू बेरोजगार हो गया। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे अपनी गाय को बेचना पड़ा। वह कमजोर व बीमार रहने लगा। यानी मशीनीकरण होने की वजह से बदलू की लाख की चूड़ियों का जो धंधा था बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि खरीदते ही नहीं था तो बदलू काका उसे बेचते ही नहीं थे, और उनको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी, क्यों? क्योंकि खुद का खाना खर्चा सब किससे चलता था, लाख की चूड़ियां बेचकर। अब वो ही नहीं रहे तो उसको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी और वो बेरोजगार हो गए। उन्हें गरीबी का जीवन जीना पड़ा और धीरे धीरे वो कमजोर हो गए और बीमार रहने लगे। ये हो गया अपने कक्षा 8 के पाठ 2 लाख की चूड़ियों का भाग 3 में ये प्रश्न उत्तर पूरे। आगे वाला कल। धन्यवाद।